शिव गिरजा कैलाश गिरजा कहे लगी है खास। हे विनाश पुरुष तनी माना बात हमार। गिरजा जी कैलाश पर्वत पर बैठी हैं, भगवान भोलेनाथ भी बैठे हैं, दोनों प्राणी बैठे हैं। एकाएक गिरिजा जी के मन में आया कि स्वामी आप हमसे वादा करे रहे, अरे कहें आपकी मृतलोक हम घुमाई दे, लेकिन एक का वादा आपको पूरा नहीं दिखा दो स्वामी। क्या कह रहे हैं गिरिजा जी? किनारे मोरा गाँव हो घर पहुँचा दा देवी मैया गंगा। ये तो तर्ज का ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन गिरजा मैया क्या कहती हैं? बड़ा मृतलोक का वाके नार हो, हो बड़ा मृतलोक का वाके नार हो, हम के देखा दा मोरे सजना। बड़ा मृत के दिखा दा हमारे मनसा के पूरा आएगा, हम के दिखा बड़ा मित लोग तावा के ना हो, हम के दिखा दा मोरे सजना। कह रहे गिरजा मैया, कहें बड़ा मन ललचाए भोला देख के नगरिया, बड़ा मन हाँ बड़ा मन ललचाए भोला देख के नगरिया, महान देखब कैसे हमें नर नरिया। हो गिरजा मैया छुए लगली पाँव हो, गिरजा मैया छुए लगली पाँव हो, हम के देखा दा हमर सजना। गिरजा मैया कहें क्या कहना चाहती हो? कहें स्वामी आप हमसे कई बार वादा की है और मृतलोक घुमाने के लिए, लेकिन आप मुकर जाते हैं। कहें गिरजा चला कब हूँ फिर मृतलोक घुमाई दे, आज जिद न करा। तब तक बाबूजी गिरजा जी गुस्सा करके चली गई, भोलेनाथ पीछे पीछे चल दिए। मनाने के लिए हाथ पकड़ते हैं तो हाथ झटक देती हैं। अरे मोहनी रूप दिखा के की है सांवर गोरिया, मोहनी रूप दिखा के नाक के नथुनिया कमर कर धनिया, कमर कर धनिया हो, कमर
कान का झुमका चूमई गोरे गोरे गाल सांवर गोरिया कान का झुमका चूमई गोरे घुघू टके वो ठवा हिलावा दीनी वो ठवा हिलावा दीनी वो ठवा हो ए नयन के बाण चला के की है लियो हलाल सांवर गोरिया नयन के बाण चला के जब गिरिजा जी गुस्सा गई बाबूजी गुस्से में और खूबसूरत दिखने लगी और भगवान भोलेनाथ मना लिए कि चलो गिरिजा हम इसी दम पे चलते हैं मृत लोग और तैयारी करो और कहते क्या है कहें कि गिरिजा गुजरी पहिना चुनरी धरती के रानी करागमा चला मृत लोक में आवा चली और चली के देखा हमारा कथा धीरे जा मैया खुश हो गईली तब बार बार छुई चरा भैसिया के बनाई दुई नौ जनवा धरती के ऊपर धरे चरा कहते हैं कि रूप बदल लो गिरिजा नहीं तो हम इसी भेष में चलेंगे तो मृतलोक के इंसान कहेंगे कि ये शंकर हैं ये पार्वती। गिरिजा जी तैयारी करके एक सुंदर साधारण औरत का रूप पकड़ते हैं, भगवान भोलेनाथ एक सुंदर पुरुष का रूप पकड़ करके बाबूजी मृतलोक प्रस्थान करते हैं। कभी को तेरी के भाव देना पड़ा, अरे बलम से हंस के बतिया कहे अरे सुन के अगम प्रशंसा गज भर भैली छतिया बलम से हंस के बतिया कहे मृतलोक में पहुंच गए बाबूजी और दोनों प्राणी शिवशंकर और गिरिजा पहुंचने के बाद कहते हैं गिरिजा देखो जो सामने वाला मकान दिखाई दे रहा है एक माना जाना चौधरी का मकान है और इस घर में चार प्राणी हैं चौधरी चौधरियाइन एक उनका लड़का और उनकी एक बूढ़ी महतारी। अगर मृतलोक में हमारे लीला देखे चाह चु गिरिजा तो जो आम का पेड़ है यहीं से छिप के देखा हम कैसे लीला करी तो बीच में न बोलू कहे ठीक है भोलेनाथ जैसी आपकी इच्छा। रवाना हो गए बाबूजी चौधरी के घर जाने लगे भोलेनाथ जटा से पानी गिराए और एक धोती ले लिए गीली कई के गारद की रही आइए कवि जी के तर्ज लगा मास्टर
अखिया कंजी कंजी हो अखिया कंजी कंजी छोटकी कटिकुली बड़वार अखिया कंजी कंजी चौधरी साहब चौधरियान से कह रहे हैं कहे कि आज पंचायत हुए अरे वही गौना के दर बनावा अरे हो मोरी सांवर गोरिया हो अरे हो मोरी सांवर गोरिया अरे भोजन बनावा गुलनार अरे हो मोरी सांवर गोरिया मैं स्नान करने जा रहा हूं और जल्दी से भोजन बना के रखना मैं जल्दी झटपट स्नान करके आ जाऊंगा। कहें कि एहर भोले बाबा अपन बदल दिए तनावा ओहर चौधरी जी जाय करें सना नवा अरे धोतिया गारत की भोला गए रही आई चले जा रहे हैं जटा से पानी गिरा करके धोती गीली करके गारते हुए दरवाजे पहुंच रहे हैं। वही धोतिया गारत की भोला गए रही आई कहाँ गयु जल्दी आवा बच्चा वा कई माई दरवाजा खटखटा रहे हैं चौधरी आयन बाबू जी दरवाजा बंद करके भोजन बना रही हैं। अरे खाटे कावे लागे तब के वार अरे हो मोरी सांवर गोरिया जब दरवाजा खटखटाते हैं बाबूजी, चौधरी आयन दरवाजा खोलती हैं और देखती हैं कि चौधरी साहब आके खड़े हैं। यही भगवान भोलेनाथ चौधरी के रूप में दरवाजे पे खड़े हैं। कहें कस कहें स्वामी अभी हम बस सुरगो करे चलते हैं अभी तो हम कुछ नहीं बनाए इतना जल्दी स्नान हो गया। अरे कहें भाई हम कहें ना कि हमारा लाखदास पंचायत करना है यहाँ बिना उतरी लहली करे हम जल्दी झट से नहा के आइए दो लोटा स्नान करे। कहें तब कहें बैठा फिर दरवाजा बंद कर दिए भोलेनाथ बैठ गए तो जल्दी जल्दी क्या करती है चौधरी आई वही कच्ची पक्की जल्दी दूठी रोटिया बनाई दूल्हा के आगे दिन तरकाई हर भोले बाबा का रहे बैठ के भोजनावा ओ हर चौधरी का खत्म हो गया सना नवा
अशीला चौधरी जो स्नान करने गए हैं बाबूजी, स्नान करके वापस से आ रहे हैं। यार भोलेनाथ चौधरी के भेष में बैठ के भोजन कर रहे हैं। आई के दरवाजा खटखटावा थी, कहाँ गए बचवा गमाई? अरे दरवाजा खोले ना। अरे कहें देख के वह भैया भाई बहरे रहा, अब हमारे खात हैं। कहें आए के खात भैया? अच्छा समझ गए। कहें कौनी ओरी राम पत्थर पत्तेर जामा, हमका जनात अले बचवा के मामा। हे अरे हो मोरी सांवरी गोरिया, हाँ अरे हो मोरी सांवरी गोरिया। क्या करती हैं चौधरियाएं, दरवाजा जब खोलती हैं तो अशीला चौधरी के देख करके हक्का बक्का, अरे आप अब अहीं तो एक के खात हैं। उन्हों को शकल देखत गए कई मेल के दुईन चौधरी। भाई दू नहीं करेला मन विचार, अरे हो मोरी सांवर गोरिया। बाबूजी मामला फंस गया, मामला एकदम फंस गया। एक कई मेल के दुई चौधरी, भोलेनाथ हाथ मुंह जल्दी जल्दी धोए और अशीला चौधरी के हाथ पकड़ के बाहर कर देते हैं। बाबूजी धक्का दे करके बाहर कर देते हैं कि देखा देखा ना चौधरी आए, पता नहीं कहां का बहु रुकिया अंदर घुसा चला आ रहा है। चौधरी आएंगे हाथ पकड़ लिए बाबूजी भोलेनाथ, अशीला चौधरी आई कि वो हाथ पकड़ते हैं साला हमार मेहरारू लेके चला जाइए, वो अपन में खींचे थे, वो अपन में खींचे थे। अब बाप रे चौधरी आई का करें, वो के करे ओरी जाए दोनों एक मेल कर। कहीं देखा भाई छोड़ा, दोनों जने छोड़ा छोड़ा हमका छोड़ा करके बाबू जी जाए के अपने अम्मा के पास पहुंचे थे। मड़ही में अम्मा बैठी है, कहे अम्मा कहे का दू नहीं है, कहे हमका मैं अम्मा एक बात बतावा। कई बतावत तोहरे दुई बेटे बतन आएंगे। कहे का दुल्हनिया बुढ़ाई जाए मजाक करे, अरे दुनिया के तीरथ बरद करे है माने है तब जाए के चौधरी बाड़ा बहोरा पैदा भय। कहां से दुई बेटे वही अम्मा आवा, अब हम तो का दिखाई तुरंत बाबू जी हाथ पकड़ के बूढ़ा का लिया के चौधरी आई आई। कहीं देखा यह तो हर दुई बेटे वो समय खड़ा है, तब तक भोलेनाथ जी चौधरी भेष में आगे बढ़ गए। कहे आओ माई आओ आओ यहाँ पखुरी पकड़ ली, एक माई जो दवाई ली आई रहे आराम है ना। कहे हाँ 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 बचे हाँ आराम। अशीला चौधरी सोचे थी दवाई हम ली आई रहे और इस ससुर पता नहीं कहाँ बहु रुपया का हल्प की दवाई जो दवाई ली आई रहे माई आराम। अरे बाप रे एकदम पूरा सब एकदम मामला गड़बड़ हो गया, पूरे गांव में शोर हो गया बाबूजी। चौधरी के घर में दुई चौधरी हो गए, कोई बहु रुपया आ गया है कोई फैसला करने वाला नहीं है। इतने बड़े चौधरी के घर में आज बवाल फंस गया है बाबूजी। जो जो दुनिया की पंचायत तोड़ते हैं, बड़ी बड़ी पंचायत तोड़ते हैं, आज उनकी ही पंचायत करना है। गांव के लोग तमाम इकट्ठा हो गए, बहुत लोग इकट्ठा हो गए बाबूजी। सब देख देख करके ताजुब मानते हैं, क्या एक कई सकल के दो चौधरी? तो कहीं नहीं बतावा कुछ पूछे चाहत हूं। तो बूढ़ा माई कहीं एक दुल्हन, हाय अरे राम प्यारी दुल्हन, हे प्यारी दुल्हन आपन चीना तू सजनवा प्यारी दुल्हन।
कहे दुल्हनिया अरे ते कौनो पहचान नहीं लगाई सकते, कहे जकरे साथ रात दीना की है चीना तू सजनवा प्यारी दुलही सही मास्टर साहब बहुत अच्छे। बूढ़ा माँ इतना कह के बाबूजी अपन बात खत्म कर गई, कहे दुल्हन रात दिन तू इनके साथे हो, तू इनकर खूब अच्छी तरह से पहचान लगा ले कौन हेमत तुहार पति है कौन ना हो। तो कहने के बाद हम और कहा भैया कहे हमारे बेटवा के बाई तरफ सूरज भगवान का लक्षण है। भोलेनाथ बाबूजी कमीज खोल के लगे दिखाओ, कहे माई देख या बाई तरफ देख सूर्य भगवान का लक्षण है ना, पता नहीं कहाँ बहु रुपया। तब तक असिला चौधरी देखा थी कहती है तो हमारे हो यार, हाँ बताओ अब इतने अच्छी तरीके से यार बन के आया है, कोई अगर आया है तो कायदे से बहु रुपया बन के आया है। अब का हो फिर कहीं बूढ़ा माई कि हमारे बेटवा के पीठी में बर्धा मारे रहा भाई तक दाग पड़ा है। भोलेनाथ सबसे पहले बाबूजी कमीज खोल के लगे दिखा भाई पीठी में, सब कहते हैं देख ले भैया देख ले पर्दा सार गिरा जब मारे रहा हमका एकदम देखा है पूरा दर पड़ा है एकदम। असिला चौधरी कहा यह चीज ये तो हमारे हो यार, तो मामला बहुत गड़बड़ हो जात बा। गांव वाले से कहा थी भैया अगर यार फैसला ना हो तो पंचायत के नामो निशान मिल जाए यार, एकत्र लोग फैसला करा। गांव वाले कहा थे भैया कैसे हो यार चौधरी घरे का मामला फंस गया यार, बड़ी बात फंस गई यार, एहमा के चौधरी के फैसला करे वाला नहीं है। कुछ लोग कहा एक काम करता है यार दोनों एक समौरी एक जोड़ी से रहे दोनों को लड़ाई देते है। जवन जीत जात हो असली है जोन हारी जाए नकली है, कहे दस तुहार भला भाई नहीं तो। अरे यार अगर माया से रूप बदल सकता है तो माया से उसके पास ताकत भी आ सकती है ज्यादा, साधारण इंसान को पटक देगा यार। कहें तब चौधरी आइन कहा रुका अब इस पंचायत न होई, हम अहिन कुछ पूछी तब फैसला होई। वह बैठ गई कहीं चला अगर जे सही सही बताई दे हमारे बात के जवाब वह हमार चौधरी असलिया नहीं हमें कोई बात न मानब। तो का कहा थी चौधरी आई मास्टर साहब गवने का बात जे बताई वह मोर दूल्हा कहाई है। सबसे पहले असिला चौधरी के नंबर लग गए बाबूजी, कहे चला चौधरी बने चाहा था ना सर, चौधरी आन कुछ पूछे चाहा था ही तई बतावा
गवने के बाद जो बता देगा बाबूजी कैसे कैसे शादी भई रही, कौन दिन तारीख तिथि का रही। चौधरीयान पूछ रही हैं, तो चौधरी साहब आइए, का कहा थी इसलिए चौधरी बुढ़ाई रहे बाबूजी, 50-55 साल का खोपड़ी कहाँ याद रही जाए। कहें कि अरे तिथि रही पंचमी दिन रहा रविवार हो, लैके बारात गईले रानी तोहरे दुगरबा, दुबारा का चार भैले भोरहे में हो गई विदाई हो, बन के दुल्हनिया तू औलू हमारे सरनिया, अरतिया में खटिया कपटिया टूटल यरराई। अरे बाप रे चौधरी आई के पल्ले नहीं पड़ा बाबूजी, उहाई दुल्हन दीन नहीं आई, उहाई मोर दुल्हा कहाई नहीं आई दी ना, गलत बात है। गलत बात है, ये ना ही जनता इनका बगल करा, एकदम नकली चौधरी हैं, यही बहु रूपिया हैं। तब तक बाबूजी शंकर जी के नंबर लगा, चौधरी रूप में पहुंच गए, कहें यार हमसे पूछते तो भाई तुरंत बताई जाए फट से, तब तक तो नंबर लगी नहीं है। कहें चला बैठ गए भोलेनाथ, कहें कि देखे तिथि पंचमी बतावत है, कहें हमसे सुना चौधरी आई हम बताओ थे, कहे तिथि रही चौथ दिन रहा सोमवार हो, लैके बरात गईले रानी तोहरे दुअरवा, आंधी और पानी आई और भोरहे में जल्दी जल्दी हो गई विदाई हो। आंधी पानी भुलाई गए रहने, तिथि भुलाई गया, दिन भूल गया, चौधरी बनई आई है राजू, एकदम समझ के भोलेनाथ आज एकदम टाइट है, सारी बात जान रहे हैं बाबूजी के बात जान रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं वही कहे बन के दुल्हनिया तू अवलू सरनिया रानी, अरतिया में खटिया कपटिया टूटल यरराई। तब तो चौधरी आई मूड़ी हिलाई दीन, सही बात वही दुल्हन दीन मुसक बापरे, असिला चौधरी पकड़ गए नकिला चौधरी पास, वो असिला चौधरी माना जाए लगे, फिर भी पंच नहीं माने बाबूजी, कहें अगर कोई माया से रूप बदल सकता है बाबूजी तो उसको माया से सारी बात भी याददाश्त हो सकती है, इसलिए ये बात नहीं मानी जाएगी, पंच नहीं मानता है। कहें तब कहें देखिए एक कुआं है जिसकी लंबाई चौड़ाई मिला के 10 फीट है, 10 हाथ, और एक तरफ चौधरी आई बैठेगी, एक तरफ दोनों चौधरी, जो हाथ पकड़ लेगा वो असली चौधरी, जो नहीं पकड़ पाएगा वो नकली चौधरी। यह एक फैसला लास्ट का है, यही फैसला में आज फाइनल हो जाएगा। पांच पंच उठ करके गए बाबूजी, कुछ दूर विचार की, देखिए जो तो हाथ पकड़ लेगा वो नकली चौधरी है, जो नहीं पकड़ पाएगा असली चौधरी वही रहेगा, क्योंकि मनुष्य में इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि हाथ फैला करके बढ़ा सके कुछ दूर तक, इसलिए पंचायत में फैसला उल्टा सुनाएंगे, पांच पंचून जानेंगे कि असली कौन है नकली कौन है, पंचायत में आकर के फैसला सुनाते हैं, क्या भाई सुनो पंचो, एक तरफ चौधरी आईन बैठी है, एक तरफ दोनों चौधरी, जो तो हाथ पकड़ लेगा, हाथ फैला करके चौधरी आईन का हाथ पकड़ लेगा वही चौधरी असली होगा, जो नहीं पकड़ पाएगा
वो नकली चौधरी है। इसी पंच बाबूजी मान गए, कहे चलो ठीक है। तो असिला चौधरी बैठ गए, असिला चौधरी बैठ गए और हाथ तो फैलाने लगे। बाबूजी कहाँ हाथ फैले गए, तेही तर्ज लग मास्टर साहब। देखिए कुछ देवर लोग आज के मजाक करते हैं, चौधरी आंच का है भाऊजी, अब मामला फंसा है, तई ध्यान दे कहीं। अरे चौरा गेहुआ केराई नाई लेती हूँ भाऊजी, दुई में इकट्ठी भैया के बेराई नाई लेती हूँ, दुई में इकट्ठी भैया के। सब लोग मजाक कर रहे हैं, बाबूजी जो हदी पदी हैं, कहना आज फैसला तब हो इनके रही। वही चौधरी साहब हाथ फैला रहे हैं, देखा असिला चौधरी साहब हो, हाथ फैला रहे हैं लेकिन हाथ नहीं फैल रहा है बाबूजी। मनुष्य में इतनी बड़ी ताकत कहाँ है कि वो हाथ फैलाएगा 10 हाथ के बराबर। जब हाथ नहीं फैला, कहे कि अब तो जात बाटू छोड़ी के, अरे हमारी दुअरिया अरे हथवा बढ़ाई नहीं देती हूँ हमारी गुजरिया। अब तो लेके जाते ही है ने सब कुछ चला जात ब, अब हाथ फैलाओ तो तू फैलावा, देखा कजनी हम पकड़ी ले। वह दुल्हन से कहा कि हथवा बढ़ाई नहीं देती हूँ रानी, अरे दुल्हन से कहा कि हथवा बढ़ाई नहीं देती हूँ रानी, दुई माय गठी दुल्हा बेराई नहीं लेती हूँ, दुई माय गठी दुल्हा। प्रयागराज बहुत अच्छे मत, हाथ नहीं फैला बाबूजी, असली चौधरी को पकड़ के बांध दिया गया, बांधो साले को, एक पेड़ के लगा करके रस्सी से बांध देते हैं बाबूजी। और तब तक शंकर जी के नंबर लगा, जो चौधरी रूप में बाबूजी बैठे हैं, माया रूपी आज भांग दतूरा खा करके भोलेनाथ एकदम मस्त हैं। अब बैठ गए उनका ही नहीं ख्याल कि हम मनुष्य बना ही मृत लोक में, हाथ फैला भैला गे तब भोला दानी हो, और ये तने में हंसी दी हली ने गिरे जा भवानी, कहीं जा बउराऊ मारा कुल सत्यानाश कही गया, सारा खेला खेले लेकिन यही दरे धोखा खाई गया ना। वही अरे दुल्ही से कहा कि अब मुंह से कहा नहीं देती हूँ रानी, दुई माय गठी दुल्हा बेराई नहीं लेती हूँ, दुई माय गठी दुल्हा। विराह शंकर जी की लीला, हे बाबूजी भोलेनाथ, कहन भोलेनाथ को सब कहते हैं पंथ की, यही असली चौधरी हैं, यही असली चौधरी हैं। एक बार चौधरी खातिर लाठी लेके लक लकावत है बाबूजी, गांव के लोग ले ले लाठी तान के घेर के खड़ा है पेड़ है भाई, कहन मार इन नकली चौधरी यार कहां से भेद बदल के आए। तब तक 5 पंचून जो थे कहे खबरदार से चौधरी के ऊपर एक डूबी के सूट को नींद पड़े, आई क्यों को महतारी दूध पिया है, चलो बैठो हाथ बढ़ावा, देखिए हम कैसे हाथ बढ़ाए लेते 10 फीट, इसलिए कि जो हाथ पकड़ लेगा वो नकली चौधरी है।
जो हाथ नहीं पकड़ पाया वो असली चौधरी है, क्योंकि मनुष्य में इतनी बड़ी ताकत नहीं को हाथ फैला लेगा। यहाँ बिना की डेढ़ हाथ वहाँ कहती चौधरियान के डेढ़ हाथ यहाँ हो रही, बीच में सात हाथ खाली। अब भोलेनाथ वहाँ डेढ़ हाथ फैला है, साढ़े आठ हाथ फैला है देहन। तो सोचिए जो माया से रूप बदल सकता है तो माया से हाथ भी बढ़ा सकता है। बाबूजी रही भोलेनाथ की लीला, लेकिन आप सब देखें असली और नकली कैसे पकड़े जाते हैं। बारे मनुष्य की खोपड़ी सब ले ले लाठी, असली चौधरी की छोड़ दिया, असली चौधरी यही है। जा चौधरी जी चौधरी आएंगे सम्हारा, बाकी तेंसी हम लोग निपट ले गए। लई लई लाठी बेड़ा लोहबंदा बल्लम सब तैयार है कि मर्द कौन है यार भेद बना क्या। अरे बाप रे भोले ना समझिए कि अब लाठी पड़ जाए कपारे पर लाठी गिर जाएगी। वही कहे ना भेष बदला भैया जल्दी से, नहीं तो सब गड़बड़ाई जाए। तो कैसे अपन भेष बदला थी बाबूजी कहना है। मथवा पे चंद्रमा लहरत बाटई औ हाँ गले सांप एक काला है, हाँ बाघम बरतन भस्म रमाए औ पिया जहर का प्याला है। हाँ माथे में अब यही चंद्रमा, हाँ अच्छा बाघम वाला है। अरे हाथ में त्रिशूल विराजे, हाथ में त्रिशूल विराजे अच्छा डमरू वाला है। धन्य हो भोलेनाथ की जय हो महादेव। आप ये बताओ स्वामी काहे खातिर हमार लोग परीक्षा ले आए ना। तब तक गिरजा भवानी को बुलाते हैं कि गिरजा यहाँ आओ। गिरजा रानी दौड़त दौड़त आई गई, भगवान भोलेनाथ के बगल में बैठ गई। कहे धन्य हो भांग धतूरा खाई के महाराज सब बेकार कह दिया अपन लीला। अरे मृतलोक में आप थे ना। कहे हाँ पार्वती मुझसे बड़ी बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने जो अपना माया रूप दिखा दिए। कहे अब दुनिया के लोग का कहे चाहते, कहे बताइए सरकार प्रभु बोलो कैसे आगमन हुआ। कहे देखिए मैं अपनी गिरजा को मृतलोक घुमाने के लिए लाया था। हमारे मन में आया कि चलो गिरजा छिप करके हमारी लीला देख लीजिए। तो भैया एक लीला मैंने दिखाने लगा, ठीक है। कहें भोलेनाथ जी बार बार नमन हो प्रणाम हो। तो कहें हम आप लोग से प्रसन्न हैं, जो कुछ मांगना है मांग लो। एकदम बाबूजी तिरवाचा दे दिए, जो मांगना है मांग लो। सब मृतलोक के लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ हम लोग न धन चाहे न दौलत चाहिए हम लोग को, सिर्फ हम लोग यही एक गुजारिश करेंगे कि जब जब मृतलोक में पंचायत हो जहां पंच रहे वहां परमेश्वर जरूर आए। आप जरूर आइए स्वामी, और ऐसी कोई बात न रह जाए कि जो मृतलोक में बगैर पंचायत का हला भला न हो। पंचायत फैसला जरूर हो प्रभु, यही आपसे हमारी विनती है। कहें ओम मस्त, जहां पंच तहां परमेश्वर। आप सबको सुनने को मिल रही है। अंतिम प्रमाण में कहना पड़ा गुरु घराने से, स्वामी जी तानंद कहे कि भुल्लुर जी तजे कोतारी, अरे गुरुवर है दरली कहा सब सारद कई बलिहारी हो। बलम से हंसी के बतिया कहे
अरे गाइला दिनेश लहरी बीतल बाकुल रखिया कलम से हंस के बतिया कहे।